गुलाम हसन सूफी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मधुमाती वो सुरीली आवाज जिसके बारे में मोहम्मद रफ़ी ने कहा था, सूफी साहब अगर आप फिल्मी दुनिया में आते तो मेरा नाम नहीं होता, पहला नाम आप ही का होता। वो हसन सूफी को बड़ी ज़माने से मैं सुनता रहा हूँ और मुझे यकीन था कि जो चीज़ हसन सूफी गाता है वो लोगों के दिलों में भर जाती है, वो चीज़ जगह कर लेती है। मिलिटेंसी टॉप पर थी तो मैंने एक गज़ल कही थी, अभी छपी नहीं थी। सूफी साहब कभी कभी मेरे पास आते थे, उन दिनों बैठते थे, तो मैंने गज़ल का मतलब सुनाया, उनने गाया, फिर गज़ल उनने रेडियो टीवी से गाई, कई महफिलों में गाई, बहुत पसंद हुई। कुछ कम सवाद लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, क्योंकि वो दरअसल ऐसे क्रिटिक भी होते हैं जो शायरी के आदाब और उसकी टेक्निक से बहुत कम वाकिफ होते हैं, शेर कहने के बावजूद। बाहर के अब वो मसला नहीं है, मसला मैं कहता हूँ कि सेंसिबिलिटी जो किसी ज़माने की होती है और सेंसिटिविटी जो होती हैं उनको कैसे मामूली लफ्ज़ों में आप मुंतकिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर एक जज्बा हो। ये गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। रात बुझमक तो फुल गुलाब अछन, रात बुझमक तो फुल गुलाब अछन, आज तो बुझमक तो गौ अजाब अछन, रात बुझमक तो फुल गुलाब अछन, आज तो बुझमक तो गौ अजाब अछन, शोर महशर तुलुक गुनाहगारन, क्या जि खुदमुत वनु शराब अछन, बत उशवान लुख अछर वालव, बत उशवान लुख अछर वालव, चानि रोइच फिरम किताब अछन, रात बुझमक तो फल गुलाब अछन, आज तो बुझमक तो खो अजाब अछन।